बिस्मिल्लाहिर्रहमान इर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। तो आज मैं आपकी खिदमत में उल्टी, कै और दस्त का बेहतरीन और कामयाब और घरेलू नुस्खा बयान करने लगा हूँ, तो उम्मीद है कि आप इसे ज़रा तवज्जो से सुनेंगे। तो मेरे एक दोस्त आए और कहने लगे, जब भी मेरी बच्ची को उल्टियाँ क्या आ रही हैं तो मैं अब डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, भी आप इस तरह करें कि मैं आपको दवाई बताता हूँ, वो आप ले लें, लेकर इसे इस्तेमाल कराएं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बच्ची जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उल्टियाँ क्या बंद हो जाएंगी। तो वो जो नुस्खा मैंने अपने दोस्त को बताया था वो मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले अंगूरों का सिरका लेना है और आपने नमक लेना है जो सालन में इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक घूंट के करीब सिरका जो है प्याली में डाल लेना है और इसमें थोड़ा सा नमक इसमें डाल देना है और इसे हिलाने के बाद आपने चम्मच का चौथा हिस्सा उस बच्चे को जो है कि जिसको उल्टियाँ आ रही हो उसको पिला देना है। आधे मिनट के बाद फिर आपने ये पिला देना है। इसी तरह आधे आधे मिनट के वक्फे से ये सारा सिरका जो है आपने प्याली में डाला है ये इसको पिला देना है। इसके बाद आपने कच्चा पानी जो है बिल्कुल नहीं देना। फिर घंटे के बाद फिर आपने उतनी मिकदार में सिरका लेकर नमक डालकर फिर आपने आधे आधे मिनट के बाद उसको मरीज़ को पिलाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक दो मरतबा इस्तेमाल करने से उसकी उल्टी कह जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी और मोशन अगर आते होंगे तो वो भी बंद हो जाएंगे और उसके बाद जो है उसको भूख भी लग जाएगी। लेकिन उसको रोटी नहीं देनी, आपने हल्की फुल्की चीज़ें जो है देनी है, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ये आपने देनी है। और इसके बाद जो है आपने जो है कल मुझे आकर बताना है। तो उसने मुझे जो है बताया तो कहने लगे, भाई ये जो है ना दवाई जो आपने बताई है वो बहुत ही कामयाब दवाई है और मेरी बच्ची जो है बिल्कुल ही सेहतमंद हो गई है। तो माशाल्लाह, तो आप जो है ना ऐसे नुस्खे हमें जो है बताया करें ताकि हम इससे फ़ायदा उठाएं। तो लिहाजा ये नुस्खा जो है मैं आपकी खिदमत में भी पेश कर रहा हूँ, आप इस नुस्खे को भी इस्तेमाल करें, आजमाएं और अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल करवाएं, बताएं और उसके बाद मेरे हक में दुआ करें। और मैं इस वीडियो के बाद और मज़ीद वीडियो जो है आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।